भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स 13 फरवरी को बैंकिंग शेयरों की अगुवाई में तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी आज 21,700 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 482.70 अंक यानी 0.68% की तेजी के साथ 71,555.19 के स्तर पर और निफ्टी 127.30 अंक यानी 0.59% की तेजी के साथ 21,743.30 के स्तर पर बंद हुआ। 13 फरवरी को लगभग 1,284 शेयरों में तेजी आई है। 1,994 शेयरों में गिरावट देखी गई, जबकि 62 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.6% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.2% बढ़कर बंद हुआ है। 12 फरवरी 2024 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 3,78,84,837.13 करोड़ रुपए था। आज यानी 13 फरवरी 2024 को उछलकर 3,80,80,864.70 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी आज 1.96 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायक का कहना है कि बैंकिंग शेयरों में बढ़त के कारण घरेलू बाजार 12 फरवरी की गिरावट से काफी हद तक उबर गए। घरेलू महंगाई में कमी से सेंटीमेंट में सुधार हुआ है, जिससे ग्रामीण मांग बढ़ने की उम्मीद है। इसके बावजूद हाई वैल्यूएशन के कारण छोटे मझोले शेयरों का प्रदर्शन लार्ज कैप की तुलना में कमजोर बना रहा। हालांकि अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों से पहले निवेशक अब सतर्क दिखाई दे रहे हैं। रेली गियर ब्रोकिंग अजीत मिश्रा का कहना है कि बैंक निफ्टी के तब तक सीमित रहने की संभावना है जब तक यह 46,000 के ऊपर जाकर मजबूती नहीं दिखाता। उनका मानना है कि आईसीआईसीआई बैंक के अलावा दूसरे प्राइवेट बैंकों का प्रदर्शन निकट की अवधि में इंडेक्स पर असर डाल सकता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विश्लेषकों को उम्मीद है कि निफ्टी 22,000 से 21,100 की रेंज में लंबे समय तक कंसोलिडेट होगा। ऐसे में गिरावट पर खरीदारी करना सबसे बेहतर रणनीति होगी। उनके मुताबिक बैंक निफ्टी के लिए 21,100 के जोन में मजबूत सपोर्ट है। दूसरी ओर ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के सच्चिदानंद उत्तेकर का कहना है कि इस समय मार्केट क्लासिक सेल ऑन राइज मार्केट नजर आ रहा है। उन्होंने निवेशकों को हर पुल बैक पर शॉर्ट पोजीशन बनाने का सुझाव दिया है।